हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय जन्माष्टमी ब्लॉग। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, मौसम ख़राब है। यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और फिलहाल थोड़ी देर से रुकी हुई है। तो अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, ये देखने के लिए कि जन्माष्टमी यहाँ पर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मनाई जाती है। तो मैंने मास्क भी ले लिया है साथ में और हम निकल लिए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोग की जिस तरीके से रिक्वेस्ट आती है या मैसेज आते हैं मुझे कि इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए, ये वीडियो भी मैं स्पेशली आपके कहने पे ही बना रही हूँ। काजल, आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि आपने बहुत रिक्वेस्ट ली, बहुत क्यूटली बोला मुझसे। तो वैसे शायद मैं ना भी बनाती, बट क्योंकि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत अच्छे हो एंड आपके अच्छे नेचर की वजह से ही मैं आज बना रही हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, बड़ी सी, अभी आपने देखी पीछे, तो वो मेरा स्कूल था और मैंने वहाँ पे स्कूलिंग करी है अपनी 12th तक की। बहुत अच्छे दिन थे, क्या दिन होते ना स्कूल के, है ना। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँच चुके हैं एंड वाओ, क्या बात है, देख रहे हो आप कितना सुंदर सजा है। मतलब जन्माष्टमी का तो पता नहीं, बट 15 अगस्त की तैयारी प्रॉपर हो रखी है हमारे यहाँ। वेल, यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोग भी देख रहे हो, मेरे साथ चल ही रहे हो, तब से कोई सजावट नहीं दिखी मुझे पूरे मार्केट में। वरना यहाँ पे पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब यहाँ तक भी पूरे मार्केट में, पूरे शहर में हमारे जन्माष्टमी की सजावट होती है और झांकियां लगती हैं हर जगह। अभी मेरा थोड़ा सा ना मोरल, सही बताऊं, डाउन होने लगा है, ये सोच के कि ये जब अभी नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। और लेट्स सी, चलिए देखते हैं। बट चलिए, जैसे तैसे शाम भी होने लगी है और हम मंदिर तक आ गए हैं। एक मंदिर है यहाँ पे, अगर वहाँ पे होता है तो मैं, पॉसिबिलिटी है कि शायद एक दो मंदिर में और भी मिल जाए अच्छा खासा कुछ कंटेंट। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे, ये साईं मंदिर है वैसे। और चलिए स्लीपर निकाल लेते हैं एंड ओ माय गॉड, नहीं फिर से नहीं, आई डोंट लाइक दिस किच किच यू। चलिए तभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। ओहो हो हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे वैसे नॉर्मली आएंगे ना, नॉर्मल डेज में, पहले जैसे लॉकडाउन नहीं था तब भी आते थे हम लोग, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता था यहाँ पे और लोग आते थे। तो अभी हम फिलहाल ढूंढ रहे थे कृष्णा को। ओहो, तो ये हैं कृष्णा, यहाँ बैठे हैं आराम से। बताइए हमें कहाँ से, कितनी दूर से बुला लिया। तो चलिए, एक झूला तो बनता है मेरी पूरी YouTube फैमिली की तरफ से, काजल आपकी तरफ से, और भी मेरे जितने भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेरी YouTube फैमिली है, आप सबकी तरफ से झूला मैंने इनको झुला दिया है। कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हर बालक कृष्ण के रूप में जो आए थे, सबको जो डिस्टेंसिंग के लिए हमने गोले बनाए हैं, उन गोलों को उनको हमारे द्वारा स्नान किया गया और भक्तों ने प्रणाम भी किया और उनको प्रसाद वितरण करके आखिर में माखन मिल के जब बर्थडे हुआ तो मक्खन और क्या कहते हैं बाबा का जो हमारा केक बना था, शुद्ध शाकाहारी केक जो क्रीम और मक्खन से तैयार किया गया था, उससे उनको भोग लगाया। धन्यवाद। नियमों का पालन करते हुए, एडवाइजरी को फॉलो करते हुए, हम लोगों को ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा मेंटेन करते हुए कल रात्रि कृष्ण जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे केक सेरेमनी की गई। जैसे मंदिर के चुने गिने चुने लोग उसमें जो थे, जो कार्य जो मंदिर के कार्यकारी जुड़े लोग हैं वो लोग मौजूद थे। तो आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही रहेगा या फिर शॉर्ट आउट हो जाएगा? हम तो साईं वाले हैं, बाबा तो है साईं राम कृष्ण रहमान, साईं गीता वेद कुरान, तो बाबा इसको दूर करेंगे। तो हाँ, ये निश्चित है कि लोगों को एडवाइजरी को फॉलो करना होगा। बिल्कुल, अगर आप अपने घर तक दावत दोगे कोरोना को, हाँ, एडवाइजरी को फॉलो ना करके, तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी, बिल्कुल। सरकार कुछ नहीं कर सकती जो जो नागरिक कर सकता है। जी, नागरिकों का दायित्व है वो उसको फॉलो करें, और
सबसे बड़ी महामारी जिसका इलाज इजाद नहीं हुआ है जी जी, उस बीमारी का इलाज इतना सस्ता इतना सुगम कि आपको नियमित अंतराल में अपने हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंस बनाना है और घर से बाहर निकलने से पहले आपको मास्क का इस्तेमाल करना है जी जी। और यह इसमें थोड़ी शिकायत भी है, मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता हूँ, हमारे वहाँ जो बिना मास्क के लोग घूमते हैं ये बहुत बड़ा वो है। कुछ जगह हमारे राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है, जबकि वहाँ राजनेता हो तो उनको मेंटेन करना चाहिए जी जी। क्योंकि स्थानीय रूप पर अगर मार्गों पर ऐसा प्राविधान किया गया है कि जो मास्क रहित होंगे उनको 200 रुपये पहले जुर्माना होगा, 500 रुपये बाद में जुर्माना होगा, मैं नहीं समझता हूँ। मास्क के बारे में अगर मास्क के बारे में कठोरता से अनुपालन कराया जाए और मैक्सिमम लोगों को चालान कटे जाएँ तो हर आदमी विवश होगा घर के बाहर, एक बार 200 देगा, एक बार 500 देगा, जब 2000 नंबर आएगा तो वो घर से पहले मास्क लगा के निकलेगा। तो मेरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नागरिकों से खासतौर पर प्रशासन तभी कामयाब होता है जब उसको नागरिक सहयोग करें, अगर नागरिक सहयोग नहीं करें तो प्रशासन कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बाबा सबके कष्ट हरते हैं, बाबा ने शिरडी को प्लेग से बचाया है तो मेरे साईं इस महामारी से भी देश को बचाएंगे। सब स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहेंगे, हर घर में खुशियाँ हों, हर घर स्वस्थ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। ओम सहयोग। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन्होंने हमें कितना अच्छा मैसेज दिया है। ये ओनर थे मंदिर के एंड पंडित जी भी हैं, यही मंदिर को देखते हैं, सब सैनिटाइजिंग वगैरह सब यही करते हैं। और काफ़ी अच्छा मैसेज था इनका कि सोशल डिस्टेंसिंग सभी रखनी चाहिए। एंड फिलहाल अभी हम लोग घर के लिए निकल लिए हैं क्योंकि मुझे कुछ खास कंटेंट मिला नहीं, मुझे कोई मतलब जो मैं चाह रही थी आप लोगों को दिखाना वो मुझे मिला नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग घर आ गए हैं एंड आप लोगों को एक दो फोटोज़ हैं आपको एंड में देखने को मिलेगी, मेरे दीदी के बेटे की हैं, बहुत क्यूट है, वो भी कृष्णा बना था कंपटीशन के लिए स्कूल के लिए। तो आप लोग देखना ज़रूर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मेरा ब्लॉग। एंड थैंक यू सो मच काजल फॉर बीइंग ऑलवेज बी देयर एंड स्टे विद अस। थैंक यू।